आप मान लिया जाए कि प्री क्वालिफाई किए तो यहाँ आए, मेंस में अच्छा खासा नंबर लाए यानी कि यहाँ आए, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए रह गए, थोड़ा सा डिस्टेंस यानी थोड़ा सा और मेहनत करते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। दोस्तों, एसएससी ने जेई पोस्ट के लिए कल यानी कि 24 मई को अपना परिणाम जो है रिलीज कर दिया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे हमारे भाई एवं बहनों का रिजल्ट हुआ है और बहुत सारे हमारे साथी का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके संघर्ष पे अब तो विराम लग गया है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके स्ट्रगल की अवधि और बढ़ गई है। तो बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट देखा है कि उनका सिलेक्शन रुक गया है और बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट देखा है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि जो सिलेक्शन ले लिए हैं वो तो अपना लाइफ को एंजॉय करेंगे ही, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए हैं कि मेरा सिलेक्शन 2 बार से नहीं हो रहा है, मेरा सिलेक्शन 3 बार से नहीं हो रहा है, मेरा सिलेक्शन 1st बार में क्यों नहीं हुआ। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं हूं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं योर सोनू। देखिए, जब आपको पता है कि सिलेक्शन होना है जितना वैकेंसी में सीट था उतना ही, यानी कि इस बार लगभग 3000 के आसपास एसएससी जेई के पोस्ट के लिए था, तो उतना ही कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, जबकि फॉर्म भराता है 3 से 4 लाख, उसमें एग्जाम में अपियर होते हैं ऑलमोस्ट 3 लाख। बहुत सारे लोग तो प्री में ही डिसक्वालीफाई हो गए थे और जो प्री में क्वालिफाई होकर मेन्स एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया है और उनका सिलेक्शन हो गया है, जो अपने सीट के लिए हकदार थे और कड़ी से कड़ी मेहनत करके एग्जाम को लिखे थे। तो दोस्तों, जो सिलेक्शन ले लिए हैं उनके लिए अब आगे की चुनौती है कि वो अपने अपर पोस्ट के लिए वो अपना संघर्ष करेंगे। संघर्ष किसी के जीवन में रुकता नहीं है, चाहे तो आप छोटे से छोटे घर के हो या तो बड़े से बड़े घर के हो, यहाँ तक कि कोई खिलाड़ी भी होता है जो बहुत अच्छा खासा काम नाम कमा लेता है, पैसा शोहरत कमा लेता है, उनके लाइफ में भी संघर्ष होती है, वो अपने पोजीशन को बनाने रखने के लिए संघर्ष करते रहता है। और एक हम लोग हैं जो एक पोस्ट के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके साथ मैं एक्सक्यूज नहीं बनना चाहूँगा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है। अपने कमियों को देखें, अपने कमियों को सुधार करें और देखें कि हमने कहाँ गलती किया ताकि मेरा सिलेक्शन रुक गया। मेरे जानने वाले में 2-4 भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पीछे मुड़कर न देखने के बजाय थोड़ा सा पीछे देखिए कि आप में कितना कमियां थी, आपने कहां कहां गलती किया और उस गलती को सुधारिए, न कि गिवअप अप कर दीजिए। देखिए, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन गिवअप नहीं होता है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो आप पीछे थोड़ा सा मुड़िए और अपने कमियां को देखिए कि कहां मैंने कमी कर दी थी, कहां मैंने गलती कर दी थी ताकि मेरा सिलेक्शन होते होते बच गया। और आप अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको पता है एक न एक दिन सिलेक्शन होगा। जिस बंदा के दिल में, जिस बंदा के बॉडी में, जिस बंदा के मन में ये बात अगर घुस गई हो कि हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, एक न एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा, तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप 1-2 रिजल्ट से डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप खुद को गिरा रहे हैं, खुद को उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं मान रहे हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छा से पढ़ना है और आप जितना भी गलती किए उनको सुधार करना है। देखिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन आप उस सिलेक्शन के करीब पहुंच गए हैं। जब इनिशियल टाइम में आप यहां से स्टार्ट किए थे तैयारी करना, तो यहां से स्टार्ट किए तो डायरेक्ट यहां तो नहीं आ पाए, कोई कोई जो थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहां आ गए, क्लियर कर लिए। और आप मान लिया जाए कि प्री क्वालिफाई किए तो यहाँ आए, मेंस में अच्छा खासा नंबर लाए यानी कि यहाँ आए, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए रह गए, थोड़ा सा डिस्टेंस यानी थोड़ा सा और मेहनत करते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। जिनका प्री में यहाँ आना था लेकिन यहाँ नहीं आ पाए, यहीं रहेंगे, तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक वो चले ना, इतना दूर तो डिस्टेंस अपना तय कर लिए, अब इनको इतना
डिस्टेंस तय नहीं करना पड़ेगा, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा, तो आप किसी भी चीज़ को डिसएडवांटेज के तौर पे मत लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है तो अभी में मैं इसको क्रॉस करके रहूँगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, जहाँ आप गलती किए हैं उसको इम्प्रूव कीजिए और अपने गलती को इम्प्रूव करने के बाद उसको अचीव कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। कैसा नहीं है कि नहीं होगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, अपने टीचर से गाइडेंस लेना है और आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और फिर लाइफ को एंजॉय करना है। देखो दोस्त, अगर आपको SSC JEE में CPW मिल भी जाता ना तो आप उसके बाद ये स्ट्रगल करते, लेकिन हाँ ये हो जाता कि आपके लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड हो जाता, आपके घर में जितना परेशानियां हैं, आपके माता पिता को दिक्कत हो रही है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होती, उसमें आपको सुधार मिलता, थोड़ा सा राहत मिलता। लेकिन अगर आप डिप्लोमा हैं तो उसके बाद आप और कोई पोस्ट के लिए, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो कोई अदर पोस्ट के लिए, ऑफिसर पोस्ट के लिए आप स्ट्रगल करते, अगर आपका BTech है तो आप GATE के लिए स्ट्रगल करते, UPSC के लिए स्ट्रगल करते, तो लाइफ में स्ट्रगल बना रहता है। तो टेंशन नहीं लेना है, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसको खुशी खुशी आप एक्सेप्ट कीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और फिर इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसको बुझिए और अच्छा से मेहनत करके क्रैक कीजिए। और हाँ, गांव घर वाले, माता पिता, रिलेटिव लोग को सुनना बंद कर दीजिए। अगर गांव घर वाले, माता पिता किसी बच्चे का मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। आपको पता नहीं है कि वो कितना स्ट्रगल करता है, कितना मेहनत करता है, आपको ये नहीं पता होगा कि अपने घर से दूर जाकर एक छोटा सा कमरा में दिन रात लगाकर पढ़ता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो मेहनत किए हैं और बहुत मेहनत किए हैं, तो किसी को क्लेम मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, उनको डीमोटिवेट नहीं किए कीजिए और उनको आप सपोर्टर के तौर पे बनिए। तो आप लोग से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डीमोटिवेट ना हो और अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। आज से करीब 4 से 5 महीना बचा हुआ है नेक्स्ट JEE के लिए, JEE 2023 के लिए, SSC JEE 2023 के लिए, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। आप इसी प्रकार से अपने जीवन में खुशियां को अचीव करते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, और आप जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको थोड़ा गाइड करते रहें। और बाकी अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप मेरे चैनल पर आना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से मैसेज करिए, मैं आपको पिकअप करूंगा और आपका इंटरव्यू मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।